मॉनसून का समय आ चुका है। आज पहले दिन ही हमने देखा किस तरह से 300 mm तक की बरसात हुई और इस बरसात के दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए, रेल यातायात प्रभावित हुई, सड़क यातायात प्रभावित हुई। और इन सब के बाद अब जो है प्रयास किया जा रहा है कि मुंबई को नॉर्मलाइज किया जाए, बरसात तो रुकी हुई, लेकिन ये कंट्रोल रूम जो है आप थ्रू आउट द ईयर न सिर्फ मॉनसून बल्कि अन्य सीजन्स के दौरान भी इसी कंट्रोल रूम के जरिए जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हें एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है। माय नगरी मुंबई वो शहर है जहां पर मॉनसून के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतें होती है, कई जगहों पर जलभराव होता है। इस जलभराव की समस्या से BMC कैसे निपटती है, कैसे 0 मिनट पर लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य किया जाता है, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे BMC ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम नाम दिया है। हम आपको इस कंट्रोल रूम में ले चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से BMC के कर्मचारी 365 दिन 24 घंटे लगातार मुंबई के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखते हैं और प्रयास करते हैं कि खास तौर पर जब भी कोई आपदा मुंबई में आए तब उस आपदा के वक्त जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। मॉनसून का समय चल रहा है, आज दिन भर कई जगहों पर जलभराव की समस्या हुई थी, लोगों के कॉल्स आ रहे थे। अब इस पूरे कंट्रोल रूम में किस तरह से प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉल्स को अटेंड किया जाता है, कैसे इन जलभराव की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है, सिस्टमैटिक तरीके से इस कंट्रोल रूम में किस तरह से काम होता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। इस कंट्रोल रूम का एक तरह से हार्ट अगर कहा जाए तो वो है ये सामने जो आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है, ये BMC का कंट्रोल रूम का हार्ट एक तरह से कह लीजिए। पूरे मुंबई में करीब 7000 CCTV कैमरा के जाल फैले हुए हैं। इन CCTV विजुअल्स के ज़रिए मुंबई के हर एक इलाके पर नज़र रखी जाती है और ख़ास तौर पे वो लो लाइन इलाके जहां पर हर बार जल भराव होता है, उन लो लाइन इलाकों का एक टूर मैप भी इस कैमरे के ज़रिए बनाया गया है। ऐसे तो 24 घंटे यहां पर फीड आती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक इलाके हैं जहां पर थोड़ी बरसात में भी जल भराव हो जाता है, उन 7000 CCTV विजुअल्स में से उन स्पॉट्स को मैप करके उनका एक रूट बनाया गया है। यानी जब भी बरसात आती है और जल भराव की शुरुआत होती है तब इन स्क्रीन्स के ज़रिए BMC के जो कर्मचारी हैं उन जगहों पर नज़र रखते हैं, उन्हें मैप करते हैं और तुरंत उसकी इत्तला जो है संबंधित विभाग को दी जाती है। इस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देखिए लाइव वेदर मॉनिटर भी किया जाता है, जो रडार सिस्टम है IMD का, उससे ज़रिए लाइव फीड आती है और इसे यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंप्लेन सिस्टम है, BMC के पास जितनी भी शिकायतें आती है उन शिकायतों को बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है और उन्हें स्टेटस जो है यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद अधिकारी जो है जैसे जैसे जो भी कंप्लेन आती है उस कंप्लेन को यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है। अब इस विभाग पर हम आते हैं, यहाँ पर 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। जब भी आम मुंबईकर हो, जब भी उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए होती है, अगर किसी इलाके में अगर जल भराव हुआ होता है तब यहाँ पर जब कॉल करते हैं 1916 पर, तब कॉल जो है इस डेस्क पर आता है और इस डेस्क पर उस संबंधित जो जानकारी है उस जानकारी को कलेक्ट किया जाता है। एक बार कंप्लेंट आने के बाद ये जो पीछे आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉजिस्टिक विभाग, इन जो लॉजिस्टिक ऑफिसर होते हैं उनके पास उस शिकायत को फॉरवर्ड किया जाता है। और इसके बाद तीसरा जो सबसे अहम डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी जानकारियाँ आती, जो शिकायतें आती हैं उन्हें उनकी नोटिंग करने के बाद यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्हें लिखते हैं और इस जानकारी को कलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर IO डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं जो जितनी भी जानकारी आई है उस जानकारी को एक जगह संकलित कर उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करते और उसके बाद ये यहाँ से आगे अपने संबंधित अधिकारियों को भेजते हैं। तो ये एक बड़ा सिस्टम है, ये इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से चैनलाइज किया गया ताकि हर एक जानकारी जो भी आती है यहाँ पर, जो भी शिकायतें आती है, जल भराव की कॉल्स आते हैं, उसे बताया जाता है। अब हम आते हैं इस जगह पर, देखिए ये एक सबसे इस पूरे कंट्रोल रूम का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है। अगर कहीं आग लग जाए या कहीं जल भराव की समस्या हो जाए तो यहाँ से जो BMC की टीम होती है वो मुंबई शहर के हर एक
बड़े अहम विभागों से सीधे सीधे संबंधित है, फिर चाहे वो अस्पताल हो, फायर डिपार्टमेंट हो या फिर कोई अन्य विभाग। इसके अलावा खास तौर पे चूंकि मानसून का समय चल रहा है तो यहाँ पर NDRF हो, नेवी हो, आर्मी हो या फिर अन्य एजेंसियाँ, जितनी भी एजेंसियों की मदद लगती है आपदा के समय, सभी एजेंसियों से जो है यहाँ इस कंट्रोल रूम के जरिए संपर्क किया जा सकता है। तो ये एक अहम विभाग है जहाँ पर 24 घंटे इनके कर्मचारी बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट विभाग है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस कंट्रोल रूम का एक और अहम हिस्सा है ये हॉटलाइन, आपने देखा जिस हॉटलाइन पर यहाँ पर जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार कॉल्स मॉनिटर करते हैं। ये है DRM, डिजिटल मोबाइल रेडियो, यानी अगर आपदा के समय किसी भी तरह से अगर जितने भी संचार के साधन हैं, कम्युनिकेशन के साधन हैं, अगर वो साधन ठप पड़ जाते तब भी इस जगह जो है DRM के जरिए संपर्क किया जा सकता है, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पर सिस्टम जो है वो रखा गया है, यहाँ पर जो ऑफिसर है वो इस DRM पर लगातार काम करते रहते हैं। और एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर 3 शिफ्ट में काम होता है, हफ्ते के सभी 7 दिन, 365 दिन यहाँ पर कर्मचारी 3 हिस्सों में काम करते हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि आम दिनों में जब नॉर्मल BMC मानसून का समय ना हो तो प्रतिदिन यहाँ पर करीब हर शिफ्ट में 250 के आसपास कॉल आते हैं, यानी करीब तीनों शिफ्ट मिला ले तो करीब 750 के आसपास कॉल्स इन्हें हमेशा आते हैं। लेकिन जब बरसात का समय आता है तब यहाँ पर प्रतिदिन करीब 3000 के आसपास कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। एक और इस कंट्रोल रूम का एक अहम हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मुंबई में कुल 6 यहाँ पर कोस्टल इलाके हैं जो बीचेस हैं, इन बीचेस की लाइव फीडिंग जो है, लाइव फीड वो यहाँ से आती है और इन बीचेस पर लगातार नज़र रखी जाती है। इस समय जो है हाई टाइड का समय है, ऐसे में आज मुंबई में जो है 4.4 मीटर की हाई टाइड का समय है। ऐसे में कई बार आम लोग जो हैं वो बीच का आनंद लेने के लिए किनारों पर आ जाते हैं, प्रशासन द्वारा कितनी भी जानकारियां अलर्ट देने के बावजूद भी समुद्र किनारे पर आते हैं और इस वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती है। यहां पर जो टीम बैठी है वो लगातार मुंबई के सभी बीच पर नज़र रखती है ताकि अगर किसी बीच पर अगर लोग इकट्ठा हैं, अगर किसी तरह से उनकी जान जाने की संभावनाएँ बन सकती तो तुरंत ये जो है वो संबंधित विभाग को, पुलिस को, साथ ही में दमकल विभाग को जानकारी देते हैं कि बीच के किनारे लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, उन्हें हटाना होगा। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। फिर एक बार हम इस कंट्रोल रूम का जो सबसे अहम हिस्सा है उस पर आते हैं। ये देश का एकमात्र सबसे ज़्यादा आधुनिक कंट्रोल रूम बनाया गया, क्योंकि मुंबई में जितनी समस्याएँ हैं, जिस अलग अलग तरह की समस्याओं से रोज मुंबई को जूझना पड़ता है, जो चैलेंजेस है, ऐसे चैलेंजेस मुंबई के अलावा किसी और शहर में नहीं, और इसीलिए इस पूरे कंट्रोल रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि छोटी से छोटी अगर समस्या भी आती है, कोई चुनौतियां भी आती है, तब भी उसे 0 मिनट पर किस तरह से एड्रेस किया जा सके इसका प्रयास किया जाता है। और ये जिस तरह से हम बता रहे हैं, देखिए चप्पे चप्पे पर नज़र इन CCTVs के जरिए रखी जाती है। अब चूंकि मानसून का समय आ चुका है, आज पहले दिन ही हमने देखा किस तरह से 300 mm तक की बरसात हुई और इस बरसात के दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए, रेल यातायात प्रभावित हुई, सड़क यातायात प्रभावित हुई। और इन सब के बाद अब जो है प्रयास किया जा रहा है कि मुंबई को नॉर्मलाइज किया जाए, बरसात तो रुकी हुई, लेकिन ये कंट्रोल रूम जो है आप थ्रू आउट द ईयर, ना सिर्फ मानसून बल्कि अन्य सीजन्स के दौरान भी इसी कंट्रोल रूम के जरिए जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हें एड्रेस करने का प्रयास किया जाता है। तो एक हर एक हिस्से को हमने इस कंट्रोल रूम के आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर काम होता है। 1916 ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन के जरिए मुंबई करों को अगर कोई भी समस्या हो तो जो है उस समस्या को BMC के ठीक इस कंट्रोल रूम से वो संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो उस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्या, इंडिया TV, मुंबई।